नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से बगावत करके भाजपा में शामिल हुए 22 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर विचार न किए जाने के मामले में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके लिए 21 सितंबर तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर मध्य प्रदेश के गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस पर कहा कि विधायकों के ज्ञान पर प्रश्न नहीं है, न ही मैं कोर्ट की अवमानना कर रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि योग्यता का प्रश्न तब होता है जब सम्मानित सदस्य होता है। उन्होंने कहा कि विधायक को यह जान समझ लेना चाहिए कि वे सभी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मंत्री बने हैं। अयोग्यता का सवाल तब खड़ा होता है जब वे सदन का सदस्य बने रहते। पता नहीं वो क्यों न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जो सम्मानित विधायक कोर्ट में गए हैं, मैं उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा, ना ही मेरा बयान न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ है, लेकिन इतना मैं अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं एज ए संसदीय कार्य मंत्री कि अयोग्यता और योग्यता, अयोग्यता का प्रश्न या अंग्रेजी शब्द है वो डिस्क्वालिफिकेशन का शब्द, जब होता है जब सम्मानित सदस्य सदन का सदस्य हो। जो व्यक्ति इस्तीफा दे चुके, जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके, वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? जो सदस्य है ही नहीं, सम्मानित सदस्य न्यायालय में जाने के पहले अपने विधानसभा जो उस समय के तात्कालीन थे उनसे ही पूछ लेते कि इस्तीफे स्वीकार हो गए थे या नहीं हुए थे। एक दूसरा, मंत्री बनने की बात, वो सदस्य रहते मंत्री नहीं बने हैं, सदस्य से इस्तीफा दिया है, और ये सब चीज़ें अलग अलग क्लॉज में, अलग अलग कंडिकाओं में, अलग अलग रूप से बताई गई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की स्थिति को, अयोग्यता की, डिस्क्वालिफिकेशन की, इस्तीफे की और मंत्री बनने की, ये सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पता नहीं क्यों माननीय न्यायालय का समय जाया कर रहे हैं। ये अकेली बात नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि जी विधानसभा में इतने सारे प्रश्न लगे थे, इन प्रश्नों का क्या होगा? अरे जो सत्र ही शून्य हो गया, जो सत्र ही समाप्त हो गया, उसके प्रश्न कैसे जिंदा रहेंगे? तो ये मेरे ख्याल से, मैं नहीं कह रहा कि उनमें ज्ञान का अभाव कम है, पर मैं तो अपनी समझ से ज्ञान का अभाव मुझ में कम है, इसलिए उतने कम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।